अप्रोक्सीमेटली दोनों का प्राइस 3,000 रुपये के आसपास है दोस्तों, लेकिन कौन किस में आगे है, क्यों आगे है, कैसे आगे है, सबकी बातचीत की जाएगी इस वीडियो में टेस्टिंग के साथ। और मौसम बड़ा खतरनाक है दोस्तों, तो हमेशा सुरक्षा आपके हाथ में ही होनी चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के भर भर के बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं और वो कमेंट्स बिल्कुल वैलिड भी है कि भाई Realme Buds Air 6 या OnePlus Buds Pro 3 दोनों का प्राइस भी सेम है, फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही दिए गए हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा बेटर है। इस वीडियो में आपका जो कन्फ्यूजन है डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, सारी हम टेस्टिंग भी करेंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, प्रॉपर तरीके से ग्रिलिंग कर चुका हूँ, वीडियो घंटा पॉसिबल से आप डेफिनेटली डिसाइड कर लेंगे दोस्तों कि इन दोनों में से आपको किसको परचेज करना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेकआउट करने से दोनों के बेसिक डिफरेंसेस को। You can see comparing the OnePlus Buds Pro 3 with the Realme Buds Air 6. OnePlus में आपको latest Bluetooth version 5.4 मिलेगा, Realme में आपको Bluetooth version 5.3 मिलेगा। OnePlus में आपको water resistant feature मिल जाएगा, Realme में आपको water and dust resistant feature मिलने वाला है। और OnePlus में आपको 12.4 mm के titanized drivers मिलने वाले हैं, Realme में आपको 12.4 mm के deep base drivers मिलेंगे। दोनों में आपको SBC AC codec का support मिलेगा, लेकिन Realme में आपको high resolution LHDC codec का support मिलने वाला है, जो कि OnePlus में missing है। दोनों में आपको instant wake and pay technology मिल जाएगी और दोनों में आपको Google Fast Pairing का support मिल जाएगा। OnePlus में आपको dual device pairing का option मिलेगा, जो कि Realme में missing है। दोनों में आपको in-ear detection feature मिलने वाला है, 6 mic का setup मिलेगा environmental noise cancellation feature के साथ। दोनों में आपको gaming mode, ANC mode, transparency mode, application का support भी मिल जाएगा। और OnePlus में आपको approximately 7 से 10 घंटे के बीच में playtime मिलेगा on a single charge, और वही Realme में आपको approximately 6 से 7 घंटे का playtime मिलेगा on a single charge। और दोनों का जो playtime है, ANC mode यहाँ पे volume पे depend करता है, ANC में music सुनेंगे या calling करेंगे कम battery life मिलने वाली है, बिना ANC के music सुनेंगे आपको यहाँ पे decent battery life मिल जाएगी। और दोनों के ईयरबड्स को आप बोल सकते हैं लगभग 3 बार फुली चार्ज कर सकते हैं इनमें चार्जिंग केस, दोनों में ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और दोनों का ही प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 3,300 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों दोनों का ही प्राइसिंग सेम है, दोनों को यहाँ पे अगर आप डील से ऑफर्स में 3,000 रुपए के आसपास ग्रैब करते हैं, दोनों ही काफी बढ़िया पैकेज है, ऑलमोस्ट फीचर्स दोनों में ही सेम दिए गए हैं, बस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, थोड़े बहुत ऊंची बोल सकते हैं, दोनों में आपको मिलने वाली है। यहाँ पर OnePlus में LHDC जो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो कोडेक का सपोर्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर Realme में आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, OnePlus में आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, एक टाइम में आप दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे फीचर्स दोनों में ही सेम मिलने वाले हैं। बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की और बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में आपको ऐसे ओवल शेप के केस मिलने वाले हैं, ऐसा आपको लुक एंड फील मिल जाएगा केस पार्ट को लेके। OnePlus में आपको ऐसे टेक्सचर मटेरियल यूज किया गया आप देख सकते हैं केस के एरिया में, साथ ही में आपको ऐसे डुअल टोन मिल जाएगा, शाइनिंग मटेरियल भी यूज किया गया है केस पे। और वहीं Realme में आप देख सकते हैं आपको पूरा यहां पे आपको शाइनिंग मटेरियल दिया गया है, ऐसा आपको लुक एंड फील मिलने वाला है Realme के केस में। फ्रंट में दोनों में ही आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, एक बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलने वाली है, नीचे आपको दोनों में टाइप सी का पोर्ट मिलेगा एक रीसेट के बटन के साथ, और दोनों की जो बिल्ड है ऑलमोस्ट आपको सेम मिलने वाली, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और दोनों ही वैसे कॉम्पैक्ट केस है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों का जो साइज है ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है, हल्का सा थोड़ा सा छोटा साइज है Realme का एज कम्पेयर टू OnePlus, लेकिन दोनों ही पॉकेट फ्रेंडली ईयरबड्स हैं। और दोनों के केस के लॉक की बात करेंगे, दोनों के केस के लॉक भी काफी आपको प्रॉमिसिंग मिलने वाले हैं, ऐसा जी ऑटोमेटिकली बंद नहीं होते हैं, इनको आपको ऐसे मैनुअली बंद करना पड़ेगा। और बड्स आप देखेंगे दोस्तों दोनों में आपको स्टैम शेप के बड्स मिलने वाले हैं, ऐसा आपको लुक एंड फील मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर OnePlus में थोड़े छोटे साइज के बड्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू Realme। और यहाँ पर OnePlus में आप देख सकते हैं पूरा आपको ऐसे मैट फिनिश और ग्लॉसिनेस का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, ऐसे यहाँ पर आपको डम्बल शेप के थोड़े छोटे साइज के आपको ईयरबड्स मिलने वाले हैं। और वहीं Realme में आपको ऐसे स्टैम शेप के बड्स मिल जाएंगे, इसका आपको डुअल टोन डिजाइन मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पर आपको शाइनिंग मटेरियल मिल जाएगा, साथ ही में आपको ग्लास फिनिश ग्लॉसिनेस मिलने वाली है। और दोनों के जो बड्स का एरिया है वो आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाएगा, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं दिया गया है, तो फिटिंग पार्ट को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप कार्गो साइज कैसा भी है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज, अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे, फिटिंग काफी आपको दोनों में ही सही मिलने वाली है, फिटिंग पार्ट को लेके मैं दोनों को इक्वली रखूंगा। और यहां पर दोस्तों दोनों के ANC मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करेंगे, दोनों का ही ANC मोड काफी सही तरीके से वर्क करता है और काफी बढ़िया तरीके से आप बोल सकते हैं इक्वल तरीके से वर्क करता है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में है दोनों को यूज करेंगे 90% बैकग्राउंड की नॉइस कैंसिल हो जाएगी, और अगर आप आउटडोर कंडीशन में भी है दोनों को आप यूज करते ANC मोड को ऑन करेंगे 85% तक आप बोल सकते हैं एक्टिविटीज कैंसिल कर देगा बैकग्राउंड की। दोनों का ही ANC मोड मुझे ऑलमोस्ट इक्वल लगा, मुझे ज्यादा खास डिफरेंस नहीं लगा ANC पार्ट को लेकर, लेकिन ट्रांसपेरेंसी मोड है वो मुझे पर्टिकुलरली Realme का बेटर लगा एज कंपेयर टू OnePlus। OnePlus का लग रहा था नॉर्मल तरीके से एक्टिविटीज कैच करता, बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं लगा ट्रांसपेरेंसी मोड में मुझे, Realme में अच्छी खासी एक्टिविटीज कैच करता बैकग्राउंड की, तो ट्रांसपेरेंसी मोड आगे बोल सकते Realme का। और दोनों का ही ANC मोड ऑलमोस्ट सेम तरीके से वर्क करता है, और दोनों में आपको इन-ईयर डिटेक्शन फीचर भी मिलने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट सही तरीके से वर्क करता है। अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, किसी भी कानों से बाहर निकाल देंगे म्यूजिक पॉज हो जाएगा, वापस कानों में लगा देंगे म्यूजिक प्ले हो जाएगा। दोनों के इन-ईयर डिटेक्शन फीचर को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और यहां पर दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर
आपको दोनों में ही गेमिंग मोड मिल जाएगा, और मैंने पर्सनली दोनों को यहाँ पे अच्छे तरीके से गेमिंग करके देखी हुई है, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं इक्वल गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई सा भी फोन यूज करते हो तो आप गेमिंग के लिए ईयरबड्स कंसिडर करने का सोच रहे हैं तो आप रियलमी की तरफ जा सकते हैं। OnePlus के जो OnePlus के फोन हैं उसमें ज्यादा कंपेटेबिलिटी बेटर मिलने वाली गेमिंग के टाइम पे, दूसरे फोन आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लेटेंसी लग सकती है कहीं ना कहीं। तो आप बोल सकते हैं अगर आप कोई सा भी फोन यूज करना है रियलमी के बड्स यूज कर सकते हैं फॉर गेमिंग एक्सपीरियंस, OnePlus का फोन यूज करते हैं तो OnePlus के बड्स कंसिडर कर सकते हैं फॉर गुड गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड अगर हम बात करेंगे दोनों के एप्लीकेशन पार्ट की, दोनों में आपको ऐप सपोर्ट मिलने वाला है, रियलमी में आपको रियलमी लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा जिससे आप कनेक्शन स्टेबलिश करके बड्स की और केस की बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर पाएंगे। जो ट्रांसपेरेंसी मोड है, नॉइस कैंसिलेशन मोड है, अलग अलग जो मोड्स है नॉइस कैंसिलेशन को लेकर आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ से मल्टीपल आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, आपको ओरिजिनल साउंड, प्योर बेस, डीप बेस, कैसा आपको आप इक्वलाइजर सेट करना है, आउटपुट सेट कर सकते हैं यहाँ से अपने हिसाब से। हाई रेजोल्यूशन LAGC कोडेक को सपोर्ट को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, डायनेमिक बेस का ऑप्शन दिया गया है, बेस के लेवल सेट कर पाएंगे, वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन, गेमिंग मोड का ऑप्शन, ईयरबड्स की फिटिंग टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको माइंड फ्लो का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप नेचर के साउंड एंजॉय करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे बिल्कुल शांति में कॉन्सेंट्रेट करना है, नेचर के साउंड एंजॉय करने अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज में साउंड्स दिए गए हैं तो यहाँ से आप कर पाएंगे। टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड से क्या हो, एंड यहाँ पर आपको इन डिटेक्शन फीचर को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और वहीं OnePlus में आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा अगर आप कोई सा भी फोन यूज करते हैं। अगर आप OnePlus का फोन यूज करते हैं तो आप ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाके ईयरबड्स का फंक्शन दिख जाएगा, वहां से भी आप सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं बड्स की और केस की बैटरी परसेंटेज, यहाँ पे भी आपको ट्रांसपेरेंसी मोड, नॉइस कैंसिलेशन मोड के अलग अलग मोड्स मिलने वाले हैं, आप स्विच कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें भी आपको मल्टीपल इक्वलाइजर मोड्स मिल जाएंगे, इसमें आपको सेरेनेट, बेस बूस्टेड, बेस वेव टेक्नोलॉजी दी गई है जो कि आपको रियलमी में डायनेमिक बेस का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बेस वेव टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, बेस के लेवल सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं आउटपुट को अपने हिसाब से। साथ में गेमिंग मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, डुअल डिवाइस स्पिनिंग का जो ऑप्शन है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ईयरबड्स की फिटिंग टेस्ट कर पाएंगे, फाइंड माय ईयरबड्स का ऑप्शन, टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं, या फिर जो टच कंट्रोल से लेफ्ट और राइट ईयरबड की आपको सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड से क्या करना है तो यहां से आप कस्टमाइज कर सकते हैं टच कंट्रोल्स को लेकर भी। तो यहां पर आपको ऑलमोस्ट दोनों में ही सेम फीचर्स मिलने वाले हैं एप्लीकेशन पार्ट में, लेकिन रियलमी में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको LSDC कोडेक का सपोर्ट मिलने वाला है, साथ में माइंड फ्लो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले एप्लीकेशन में एज कंपेयर टू OnePlus। रियलमी में आपको ज्यादा एप्लीकेशन में फीचर्स मिलने वाले हैं। बात करेंगे दोनों के म्यूजिक एक्सपीरियंस, बेस एक्सपीरियंस और कॉलिंग एक्सपीरियंस की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कॉलिंग एक्सपीरियंस की। दोनों में यहाँ पे आपको 6 माइक से सेटअप दिया हुआ है, 3-3 माइक दोनों ईयरबड्स में है एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ, लेकिन दोनों का ही कॉलिंग परफॉर्मेंस आउटडोर कंडीशन में, ट्रैफिक कंडीशन में कैसा है उसके लिए देखिए आप हमारा HDRS हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम। हेलो, हाँ दीक्षा जी, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, बेबी के साथ नाश्ता देख रहे थे। ओके, तो यहाँ पर एक कॉलिंग टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं फिलहाल। वन प्लस बड्स प्रो 3 का रियलमी बड्स एयर 6 के साथ। हाँ। तो अभी दोनों में से एक ईयरबड से, मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन सा ईयरबड है, लास्ट में बताऊंगा। हाँ। तो दोनों में से एक ईयरबड से बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक के बीचों बीच खड़ा हूँ, दोनों साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं। तो अब तो मैं, मेरी आवाज कैसी आ रही है यहाँ पे? आवाज तो समझ में आ रही है, लेकिन मुझे ट्रैफिक की आवाज भी आ रही है साथ में। तो मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस हो सकती है ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से? अभी ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से 80-85% है इतना फोकस। हाँ ठीक है, दूसरे ईयरबड से बात करूंगा, बताना किसकी कॉलिंग तुम्हें बेटर लग रही है। हाँ दीक्षा। हाँ मैं तुमसे दूसरे ईयरबड से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सेम कंडीशन में हूँ जैसे पहले खड़ा था, दोनों साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं। हाँ तो यहाँ पर अभी ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से, हाईवे रोड के हिसाब से मेरी आवाज से कैसा, मतलब तुम्हें फोकस आ रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयरबड? मैं सही, मतलब ये आवाज ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है। हाँ वोकल्स लेकिन मुझे पहले से बेटर लग रहा है, ट्रैफिक की आवाज पहले जैसे ही आ रही है लेकिन मुझे वोकल्स पहले से बेटर लग रहा है। अच्छा, अगर ओवरऑल बोला जाएगा तो तुम्हारे हिसाब से, मतलब तुम्हें किसकी कॉलिंग वैसे बेटर लग रही है एक तरीके से? अभी जिससे बात कर रहे हो, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा बेटर है कि कैसा है? नहीं ऑलमोस्ट सेम है, बस हल्के से मुझे वोकल्स में इम्प्रूवमेंट लग रहा है थोड़ा सा जिससे अभी बात हो रही है। अच्छा ये वाला है रियलमी वाला, पहले वाला था OnePlus वाला। ओके ओके, तो कॉलिंग टेस्ट देख के आपको दोस्तों अंदाजा लग गया होगा किसकी आपको कॉलिंग कैसे मिलने वाली है ट्रैफिक कंडीशन में। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं दोनों का जो आउटपुट है काफी तक आपको सिमिलर मिलने वाला है, बस मेरी वाइफ बोल रही थी कि जो वोकल्स पे क्लैरिटी है थोड़ी सी कहीं ना कहीं बेटरमेंट प्रोवाइड करता है रियलमी एज कम्पेयर टू OnePlus। तो हल्का फल्का आप डिफरेंस बोल सकते हैं, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं है दोनों की कॉलिंग पार्ट को लेकर, दोनों में आपको काफी इंप्रेसिव कॉलिंग मिलने वाली है। बात करेंगे आप म्यूजिक एक्सपीरियंस और बेस एक्सपीरियंस की, दोस्तों दोनों का ही आउटपुट काफी आपको बढ़िया मिलने वाला है, लाउडनेस आपको काफी दोनों में ही बढ़िया मिलने वाली है। यहाँ पर आपको डिटेलिंग पार्ट से, वोकल्स को लेकर, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन को लेकर डिटेलिंग पार्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल रिच ऑडियो चाहिए, दोनों को मैं बिल्कुल बैठ के बोलते हैं अलग अलग जॉनर्स में मैंने म्यूजिक सुने हुए हैं, दोनों में से आप किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं फॉर परफेक्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस, वोकल्स को लेकर, डिटेलिंग पार्ट को लेकर, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन को लेकर जो क्रिस्प ऑडियो है दोनों में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा।
बस यहां पर अगर आप बोलेंगे जो थोड़ी बहुत बोलते हैं ना कि जो आपको बेस पार्ट है, मेरे को यहाँ पे साफ साफ बेस पार्ट एनहेंसमेंट लगी रियलमी में एस कंपेयर टू वन प्लस, वन प्लस के बेस इफेक्ट यहाँ पे आपको अच्छे मिलेंगे अगर आप बेस सर्वर इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं मिलने वाले जो कि आपको रियलमी में मिल जाएंगे। रियलमी में काफी आपको बढ़िया बेस इफेक्ट्स मिलने वाले, आपको ऐसा लग सकता है कानों से हल्के हल्के बट सुचक भी रहे हैं, तो आप बेस लवर है, बिल्कुल प्योर बेस लवर है। और यहाँ पर आपको साथ ही में हाई रेजोल्यूशन एलएचडीसी कोडेक का सपोर्ट भी चाहिए, अगर आपको फोन सपोर्ट करता है आपको यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सुनना है तो आप डेफिनेटली रियलमी की तरफ जा सकते हैं एज कम्पेयर टू वन प्लस। बेस यहाँ पे आपको साफ साफ बेटर मिलने वाला है रियलमी का एज कम्पेयर टू वन प्लस, बाकी आउटपुट दोनों को यहाँ पर काफी बढ़िया और क्रिस्प मिल जाएगा। दोस्तों ये तो हो गए सारे के सारे डिफरेंसेस, मैंने आपको सब बता दिया कौन किस में आगे है कौन किस में पीछे है। एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑफ फॉर, देखा जाए दोनों ही अगर आपको सेम प्राइस पॉइंट में मिलते हैं, बस यहाँ पर अगर आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग से मतलब नहीं है तो आप डेफिनेटली रियलमी की तरफ जा सकते हैं। इसका म्यूजिक बेस कॉलिंग गेमिंग सब बढ़िया है, फीचर्स भी सही तरीके से वर्क करते हैं, एप्लीकेशन में आपको ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप वन प्लस यूजर है आपको यहाँ पे वन प्लस की कंपेरेटिवली बेटर चाहिए तो आप वन प्लस की तरफ जा सकते हैं, आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन मिलने वाला है, आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको सारे के सारे डिफरेंसेस बता दिए कौन किस में आगे है कौन किस में पीछे है। एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका मैटर करता है कहाँ पे आपको अपना मनी लगाना चाहिए। मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जो आपको पसंद आए अपने हिसाब से आप ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द वन प्लस नॉट बड्स 3 प्रो विद द रियलमी बड्स ईयर 6 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन एंड एज आई टोल्ड यू इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।